भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली से आज हम चौपाल में आपको प्रणाम कर रहे हैं। आज यहाँ एक गांव है जिसका नाम है ठाड़ीभार, वहाँ चौपाल लगी हुई है। कुछ यूनिक है, विशेष है, आपको दिखाएंगे सुनाएंगे। आप लोग एकदम निश्चिंत होकर खाली देखिए चौपाल, आइए हमारे साथ। एकदम शुरू शुरू में ही कहा कि आज हम ठाड़ीभार गांव में आएंगे क्योंकि वहां आज चौपाल लगी हुई है। हमने सुना है बहुत यूनिक गांव है ये, बातचीत में देखेंगे कितना यूनिक है। आइए आपसे भी बात कराते हैं इनकी। जी क्या नाम है आपका? इंदु देवी। क्या क्या सुविधाएं हैं गांव में? पार्क बना बहुत बढ़िया, पंचायत भवन बना बहुत बढ़िया। तो पार्क में घूमने जाती है? हाँ, तो हमें चाबी मिलवा हम ही खोले जाती है। तो इसका पैसा भी मिलता है क्या? हाँ। क्या नाम है आपका? सीता कुशवाहा। अच्छा, तो चौपाल में आप लोग बैठती हैं? जी चौपाल भी लगता है, फिर खुली बैठक भी होती है हमारे यहाँ। अच्छा, आपको भी कुछ मिला कि नहीं मिला? जी सर, मैं भी यहाँ पंचायत सहायक के रूप में हूँ। तो मतलब रोजगार है आपको? जी, पहले मतलब ऐसी हाउसवाइफ थे, अभी गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है तो सर मिल रहा है रोजगार। इनको तो रोजगार मिला हुआ है। हमको भी काम मिला है। क्या काम करती हैं आप? शौचालय की देखरेख। अच्छा, तो ये कौन सब ये सब किया है? मोदी योगी जी किए हैं। अरे वो तो बता रहे थे कि सब प्रधान जी किए हैं। नहीं सर, पहले कहाँ था हम लोग को रोजगार, महिलाओं को रोजगार तो मोदी योगी के राज में ही मिला है। देखिए बहुत बढ़िया बात ये बता रही हैं, अपना अनुभव शेयर कर रही हैं। और संजोली जी, हम देख रहे हैं जब पिछले गाँव में हम गए थे तो वहाँ भी महिलाएं जो है बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। लग रहा है महिला सशक्तिकरण बहुत अच्छे से हो गया है गांव में। तो आज चश्मा लगा के आप बैठ गए। महिलाओं का भौकाल ज्यादा तो है ही, अब 25 रुपया पैसा मांगने जरूरत नहीं है, अब सबको रोजगार मिल रहा है। और चश्मा के पीछे तो बताएं क्या राज है। अब तक तो हम लोग हर ग्राम पंचायत भवन में बैठ के गाए बजाए चौपाल लगाए, यहाँ बढ़िया खेत खलियान में खुले में है, तो जब आए तो घाम बहुत तेज है। तो हम कह लाओ तब तक काला चश्मा लगा ले, जब गीत गौनी हो गई तो चश्मा सर पे रखेंगे। अच्छा, धरे नाही रोगवा हो गई ले सफाई, जब से भैया सरकार योगी आई, जब से भैया सरकार योगी आई, सोच कर घरवा से बाहर जिन जाया, हर घर शौचालय के फायदा उठाया, हर घर शौचालय के फायदा उठाया, चारों ओर हुई स्वच्छ भारत के बढ़ाई, जब से भैया सरकार योगी आई, जब से भैया सरकार योगी आई। आप लोग खेत खलिहान में हम देख रहे हैं बढ़िया चौपाल लगाते हैं। हाँ, चौपाल लगा है ना। चौपाल में क्या क्या चर्चा किया आप लोग? चर्चा जो है मोदी और योगी जो दिए हैं, पार्क बना है, स्कूल बना है, पंचायत भवन बना है, पुस्तकालय बना है। खुश है? हाँ जी खुश है। अच्छा ये बताइए, बता रहे हैं कि सब लोग खुश हैं, सही बात है? हाँ एकदम खुश। काहे खुश है सब? इतना खुश है, इतना है, योगी मोदी जितना काम किए हैं और सब जनता के जिया रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। संजोली जी ये बता रहे हैं कि लोग जो है बहुत खुश हैं, आपका इस पे क्या मानना है? कोई गीत है आपके पास? ये जो घर घर योगी की बात हो रही है और हर हर मोदी की बात हो रही है, तो इस पे एक गीत हो जाए कि उज्ज्वला योजना देखो आई, घर घर में सिलेंडर लाई, घर घर में सिलेंडर लाई, क्योंकि हर हर योगी घर घर मोदी, और जनता ने आयुष्मान है पाया, हर किसान सम्मान निधि लाया, हर किसान सम्मान निधि लाया। अब हम नहीं गाएंगे, आप लोग गाएंगे घर घर योगी, गाइए जरा। घर घर योगी हर हर मोदी, घर घर योगी हर हर मोदी, इधर वाले घर घर योगी हर हर मोदी। कैसे गा रही हैं आप? योगी मोदी के बात सुननी है, खुशहाली के बात आ गई है। क्यों खुशहाली आ गई? कुछ मिला क्या आपको? हाँ कुछ मिलल बा, बहुत कुछ मिलल बा। का पहले धूरा में चलते रहने जाओ, पीच पे चलता नहीं जा। अच्छा, वो से खुशहाली मिल गई। अच्छा, धूरा में हमने के चल ही के नहीं खे, गोर जोर ही के नहीं खे, आराम से बिना बिछौनो का आदमी रोड पर बढ़ जाला। केकरा राज में? योगी मोदी के राज में। अच्छा देखिए, कई जगह तो हम खुद जो है निरुत्तर हो जाते हैं, सोचते हैं पूछे क्या, क्योंकि लोग इतना खुश हैं। जी क्या नाम है आपका? हसरून। जब पहले शौचालय नहीं था तब क्या दिक्कत होती थी? दिक्कत होना रहा पहले, जाए परत ला दूर, अब लगे नजदीक में बन गए, लाइटिंग तो बनी है ना। ये जो शौचालय मिला है किसने दिया आपको? ये योगी मोदी दल बन गया।
तो ये बात आपको कैसे पता चली कि योगी मोदी दिए हैं ये? प्रधान जी बतौले बनी। तो प्रधान जी है कहीं क्या यहाँ? बगल में बनी। प्रधान जी क्या नाम है आपका? जयप्रकाश यादव एडवोकेट। अच्छा आप अधिवक्ता भी हैं जी। आपने गांव में ऐसा क्या कर दिया है कि हर आदमी जो है बार बार जो है योगी मोदी कह रहा है? योगी जी और मोदी जी की जो स्कीम आई तो हम लोगों का कर्तव्य है उसको धरातल पे उतारना जी। और वो काम मैं करता हूँ और लोगों को बताता भी हूँ। मान लीजिए सरकार ने इतना स्कीम चला रखा है कि नहीं बताएंगे तो लोगों को जागरूक कैसे होंगे? चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए जिस गाँव के ग्राम प्रधान अधिवक्ता हो योग्य हो वहाँ की जनता तो मतलब साफ बात है कि योग्य होगी और उनको सब कुछ पता तो चल ही जाएगा। खाड़ी भार गांव की चौपाल पर लोगों ने दिल खोल कर बात की जो आपके दिल तक जरूर पहुंची होगी। अब हम अगले गांव में चलेंगे और देखेंगे कि वहाँ की चौपाल पर क्या हो रही है चर्चा आपके अपने कार्यक्रम चौपाल में।